अरब ने बोलिया कि हम सतरी रजपूत जाति के मारे ना मरने कटारा दखे इब मारे से खरे रोवे की पंचारे की धारा हम सतरी रजपूत जाति के करके कटाला रे हिम्मार से फिर रोवे की कड़चारे की धारा हम सतरी रजपूत जाति के करके सो बावन सर की उसके सब नाम वही सारे के वो खर्च करे मोटा था सहुकारा पाड़पण में पाड़ा कुत्ता जो लगे जानते प्यारा रे पाड़पण में पाड़ा कुत्ता लगे जानते प्यारा सीधे चलो अरे माथे टिका कड़म है पट्टा माथे टिका कड़म है पट्टा पत्ती का रंग काला इस मार से फिर रोवेगी कड़चारे की धारा अब सतरी रजपूत जाति के ये बात ये झूठी कहानी नहीं सच्ची कहानी है। लाहौर का रहने वाला था लक्की बंजारा। आज लाहौर पाकिस्तान में है। सन 1902 की कहानी सुना रहा हूं। 1902 की उस समय जहां आप बैठे हो ये भी पंजाब होया करता था। 1 नवंबर 1966 को ये दक्षिण पंजाब का टुकड़ा कट के ये हरियाणा बना था। सजनों उस समय लाहौर भी पंजाब ही था और ये भगत सिंह ये भी लाहौर का ही था। लाहौर जिले में छोटा सा बंगा गांव सुना होगा। सजनों जो पर आज कोरोना ये कोरोना महामारी उस टाइम एक महामारी आई थी चेचक की बीमारी। दवाई कोने बनी लॉकडाउन ना होया। सजनों इतना बुंडा काम हो गया गांव में दो मानस मर गए दोने फूक गए वापस आके देखे तो चार और मरे मिले चार ने फूक गए 16 मरे मिले गांव के गांव खाली हो गए। लक्की बंजारा उस समय का बहुत बड़ा धन्ना सेठ था बहुत पैसे वाला था 352 सर की। आज भी अपने हरियाणा में कई जगह बंजारा की बनाई हुई बावड़ी मिलती है बंजारा के बनाए हुए कुएं मिलते हैं वो सब लक्की बंजारे इसी उसी लक्की की कहानी सुना रहा हूं। एक कुत्ता पाल लिया और महामारी चेचक की ऐसी आई सारा कुणबा सारा टांडा मर गया बस वो कुत्ता जिंदा रह गया और बंजारा जिंदा रह गया। बंजारे ने सोची अगर तू यहां रुकेगा तू भी मरेगा कुत्ता भी मरेगा। कुत्ते ने साथ में लेके लाहौर तक चल पड़ा। चलता 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 उत्तर प्रदेश आगरा जहां ताजमहल है बहुत सेठों की नगरी थी आगरा। आगरा में आ जाता है एक सेठ करोड़ीमल जो बहुत बड़ा साहूकार था।
किरोड़ी मल के दौरे आया और हाथ जोड़ के बैठ गया। किरोड़ी मल बोले भाई के बात? बोले भैया बात से कुलसी हो गए चलते चलते शहर आगे ले आया भाई धरती फिर बिछाया हो तो घड़ा जराया। लाला जी एक लाला जी कन आके उसने अपना कर्ज घटाया रे लाला जी कने आके उसने अपना कर्ज ऐसे मेरे को तू कर्जा दे दे। सेठ बोला भाई मैं तो कुछ गिरवी रखता हूं पहले कोई गहने दर दर ले जा रुपये जेब में हाथ गिरे था कुछ नहीं मिला। हाथ जोड़ करने बोला लाला जी एक रहम कर दे एक एहसान कर दे क्या एक चीज से अनमोल इसने गहने दर ले और टोटे में मरू मेरी दया कर ले। बोले भाई के दरेगा? बोले मेरे कुत्ते ने गिरवी रख ले। बोले कुत्ते ने कह रुपये लेगा भाई? बोले लाला जी 20,000। है बुजुर्गो सोचो अपने मन में 1902 के 20,000 अगर ब्याज भी लगाओ तो आज 20 लाख तो भी घने बनाएंगे। इतनी मोटी रकम मांग ली। लाला जी बोले रहे मामूली सा कुत्ता रुपये 20,000 मांगे हैं पागल मन है। गुस्सा आ जाता है लखी बन जा रहे को ने बोला सेठ रुपये दे चाहे मत दे पर मेरे कुत्ते को मामूली ना कहे। अरे मेरा टेम बिगड़ गया जब मेरा टेम बढ़िया था बावड़े 20,000 में आज गहने धरूं टेम बढ़िया होता 20,000 इसके देखने के कोने लूं मैं। लाला जी के मन में रहम आया तिजोरी खोली भाई 20,000 रुपए दे मेरा 20,000 रुपए दे कुत्ता छोड़ रुपया बीस हजार रुपए देकर दिया कुत्ता छोड़ रुखाड़ा कि तुम्हारे से फिर रोवेगी बन जा रहेगी। लोगो लाला जी ने बोला भाई 20,000 तो लेकर जावे है कितने दिन में उल्टे फेरेगा के ब्याज लगा के देगा। निबला लाला जी 6 महीने बाद तेरे 20,000 के 21,000 दूंगा। बोला ठीक है भजवा। बताते हैं कुत्ते को अपने पास रख लिया सेठ ने कुत्ते की खुराक कुत्ता 8 ते रोटी खावे 2 लीटर दूध पीवे इतवार ने अंडे खावे पूरी मोटी ठाडी खुराक उसकी। लाला जी ने सोचा 1,000 रुपए ब्याज कावेंगे खवाने दे कोई बात नहीं। 6 महीने बीत गए बनजारा कोने आया महीना 7वां आया लाला जी ने अंडे खवाने बंद कर दिए। 8वां 9वां महीना आया बनजारा कोने आया लाला जी ने दूध पाइया दूध लो मैं पानी मिला के दे दे। 11वां महीना चला लोगो कुत्ते की बेकदरी माठी कर दी एक आधी रोटी मिल जाए ना बेचारा सुखा दिया। 12 महीने बीत जाते बनजारे का कोई आता पता नहीं। सेठ कुत्ते ने देखे आधा हंसा आधा रोवे हंसे तो देख दिन दौड़ी फद्दू बना के लेगा 20,000 कितने पूरे करेगा और रोवे नहीं भाई मार दिए भाई 52 बुद्धि बना था पागल बना गया। 1 साल बाद परमात्मा ने कहानी में मोड़ लाया के कर दिया के कह दिया वो लाला जी के
ने जब घम काटा वो कुत्ता खड़ा भाई चोरों ने धन लूट लट के काटा एक ताले में निकड़ा जद पेली पट्टी वो कुत्ता लाया मार कर लाला जी के घर में चोर बढ़ गए, तिजोरी तोड़ के धन निकाल लिया। समझदार थे, धन को निकाल के एक पोटली में एक बाटे में पत्थर में बांध के गांव के बाहर जोड़ था, जोड़ में दाब दिया। महीना 20 दिन बाद चले काट के ले जाएंगे। वो कुत्ता टुकर टुकर देखा सारे काम ने भोका खोलिया, समझदार था भोकता, तो चोर हथियार ले रहे थे, कुत्ते ने भी मारे, सेठ के कुंडे ने भी मारे, चुपचाप देखता रहा। दिन लिख गया, सेठ ने तिजोरी टूटी देखी, माथे में हाथ मारा, हायर बर्बाद हो गया, बड़े सारी जिंदगी की कमाई लुट गई, अब तो मरना होगा ना तो दुनिया का कर्जदार हो जाएगा। बैठ कर माथा पकड़ कर सेठ रोने लगा, सेठ जू जू ठाडू ठाडू रोवे और कने कुत्ता कुत्ता बैठा बैठा कू 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 करे, बेटा रे अच्छा रे। सेठ रोवे कुत्ता कू कू करे, ध्यान टूटा सेठ का, कुत्ते कने नजर गई, छड़ी उठा ली, लाठी ले ली और कुत्ते का छड़ी मारता रहा, बेईमान तेरे कारण बर्बाद हुआ हूं, रात में तू भोग जाता तो मैं चोरों को भगा देता, अरे बेईमान कुत्ते तू बेईमान, तेरा लक्की बन जा रहा बेईमान, 20,000 ले गया तक उल्टे नहीं फेरे। कुत्ते का छड़ी लगी, बेईमान का कुत्ता कुछ नहीं बोलिया, अनबोल था, लेकिन जब मालिक बनजारे के बारे में बेईमान शब्द सुना, कुत्ते की छाती भर आई, आंखों में परल परल आंसू आ गए, कुत्ते ने सेठ की धोती का पल्लू मुंह में पकड़ा, खींच कर गांव के बाहर ले गया और जोड़ में बढ़कर सारे धन को लिकाट के लाला जी के पाया में धर दिया। भाई लाला जी तो राजी हो गया, लाला जी तो राजी हो गया, चमड़ी तलक संभाला सारे धन को लेकर लाला जी बड़ा खुश हो जाता है, कह तो कुत्ते का छड़ी मारता, लेकिन अब कुत्ते का मुंह चूम में, आए रे कुत्ते तू तो बहुत बढ़िया है, धन्यवाद करता हूं तुझे तेरे मालिक बनजारे को। जब दोबारा बनजारे का नाम सुना बताते लोगों, बनजारे की याद आ गई, कुत्ते ने आंखों में फेर परल परल आंसू आ गए, ऊपर घुमो कर ठाकर हुक मार के रोने लग गया। एक समझदार आदमी खड़ा, उन्हें कही रहे सेठ जी लाला जी नू तो तू 52 बूतियां पत्त ने एक बात नोट को ना करी, बोले के जब जब तू बनजारे का नाम लेता है तब तो कुत्ता रोने लगता है, अरे इनका घाट प्रेम है, ए लाला यो ना हो तो तू बर्बाद हो लिया था, कह रुपये मांगा 20,000 और मिल कितने गए 20,00,000 तो ज्यादा, अगर थोड़ी बहुत रहम दिल में है शर्म है तो इस कुत्ते को बनजारे को सौंप दे, नू समझिए इनाम में दे दिए 20,000। लाला जी ने ढिंडोरा पिटवाया, मुनादी करवाई, बनजारा आए अपना कुत्ता लेके जाए, 20 दिन हो गए कोई खोने आया, लाचार सेठ कहता है कि भैया अब क्या करूं, उस समझदार आदमी ने कहा कि भाई एक काम कर, कुत्ते की सूंघने की शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, इन्हें भेज दे आप ढूंढ लेगा यो, तू रण दे। अब लाला जी ने एक कागज लिया, एक पेन लिया और चिट्ठी लिखन बैठ गया, मेरे प्यारे भाई लखी, तेरे कुत्ते ने ऐसा काम कर दिया जो मैं तेरे 20,000 मांगू था मेरे आए हो गए, तने और चाहिए, छोटा भाई समझ के आज ये तेरे लिए जान भी हाजिर है, और ले यो कुत्ता मैं तने फ्री में दे रहा हूं, यो तने ढूंढ लेगा, अरे इन्हें तो अपना ली, ये चिट्ठी लिख के कुत्ते
के गले में बांध दी, कुत्ता रवाना कर दिया। 5-7 दिन आगरा में घूमिया, शहर में बंजारा को ना मिला। हार थक के वो कुत्ता आगरे ते दिल्ली रोड पे हो लिया, NH1 है वो, दिल्ली रोड पे हो लिया। मथुरा और आगरा के बीच एक गांव पड़ता है, मरोली नाम उस गांव का। उस गांव में गया, कुत्ते को मालिक बंजारे की गंध आई, गांव में बढ़िया। गांव के देशी कुत्तों ने भंभोड़ दे रहे, ऊपर कुत्ता कितना आ गया। लेकिन आखिरकार अंततः वो कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता है, अपने मालिक को देखकर छाती पाटन हो गई कुत्ते की। रे 352 सर की का मालिक, आज टोटे में चिनाई का काम कर रहा था, ईटगारा का काम कर रहा था। मालिक बंजारे ने देखकर ऊपर को फूक मारने लगा, और उधर बंजारे ने देखे तो तेरा ही कुत्ता है, काली मान गया। उधर है कुत्ते, रे कुत्ता का कुत्ता, हरे तने मेरी माटी खराब करवा दी, मैं तेरे कारण एक टाइम की तरह रोटी खाता हूं, एक एक रुपया जोड़ता हूं, और तू बाज का आ गया। रतन तो मेरा नाम खराब कर दिया, बिना सोचे बिना विचारे देसी कट्टा रखता था, कट्टा काटा और कुत्ते का गोली मार दी, कुत्ता वही मर गया। के कहानी बनी साथ, भाई 5-7 कोस गया, फिर उठे मिला बनजारे, बनजारे नहीं नजार के कुत्ता जीत मारा, कुत्ता जीत मारा। फिर गड़ में बंधी चिट्ठी देखी, हाथ फिर कुछ काटा है, चिट्ठी देखी हाथ फिर कुछ काटा। एक गोली लगते कुत्ते के चाल कर पाओगे, मर गया कुत्ता, लेकिन था तो प्यारा, बाज का गया। हाथ लगा के देखा कुत्ता मर चुका था। हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है, मरे हुए जीव को मिट्टी दो या अग्नि दो, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है। बंजारे ने गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में कुत्ते की लाश को गेरा, ऊपर माटी गेरने लगा, तक गले में वो कागज सफेद सफेद वह चिट्ठी दिखाई दी। माटी हटा के वह चिट्ठी काटी, वह चिट्ठी पड़ी, उस टाइम इतना रोया, इतना रोया, उस टाइम एक कहावत बनी, कुत्ता मार बंजारे। पंडित जी कहते हैं जो इंसान अपने जीवन में धैर्य, अंग्रेजी में पेशेंस, धैर्य रखने वाला आदमी है, अंत में उसकी जीत होती है। लेकिन आज ये धैर्य खत्म हो रहा है। आज कोई मेरे एक मार दे, मैं भी मारूंगा उसके, लेकिन अगर एक थप्पड़ खा के आप घर आ जाओ, उसके बाद में जो बदला लेने की नीति है, उससे खतरनाक दुनिया में कोई हो नहीं सकता। चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, अपनी चंद जाती तेरी रजपूत जात के। जोरदार ताली, जोरदार बोलिए जोहड़ वाले बाबा की जय।